यूपी के अलावा कई राज्यों में चुनावी माहौल इस समय जबरदस्त बना हुआ है। चुनाव जीतने के लिए सारे दल अब मैदान में उतर चुके हैं और अपनी अपनी रणनीतियों से सभी को चौंकाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस के लिए ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसके बाद से कांग्रेस के पाले में हंगामा मचा हुआ है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीतियों के जरिए एक दूसरे को घेरने का काम कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसके बाद कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो क्या है बीजेपी का वो चक्रव्यूह, आपको बताते हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने सुभाष चंद्रा के नाम पर जबरदस्त दांव जो लगाया है, जी हाँ, वही सुभाष चंद्रा जो अभी हरियाणा से बीजेपी के टिकट से राज्यसभा सदस्य हैं। सुभाष चंद्रा अब राज्यसभा के लिए राजस्थान से निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। राजस्थान में 5 सीटों पर चुनाव होना है जिसको लेकर 3 प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे हैं तो एक बीजेपी ने। अब 5वें उम्मीदवार के लिए कश्मकश जारी है। 5वें उम्मीदवार के रूप में सुभाष चंद्रा के मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस की तो चिंता ही बढ़ चुकी है। हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य चुनकर गया था, पिछली बार भी मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थित निर्दलीय सदस्य हरियाणा से था। मैंने इस बार खुद स्वयं ये निवेदन किया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के सभी पदाधिकारी और नेतृत्व को कि मुझे अब इस समय में अपने पैतृक और अपनी जन्मभूमि राजस्थान में से चुनाव में भेजें, राज्यसभा का सदस्य बनाएं। तो फतेहपुर शेखावाटी में मेरा अभी भी घर है, परिवार है, मंदिर है जिसमें हम लोग साल में 6 बार जाते आते हैं। तो एक तो पहली बात ये कि राजस्थान से मैं नया नहीं हूँ। सुभाष चंद्रा के निर्दलीय मैदान में उतरने के बाद से कांग्रेस के होश उड़ गए हैं। सुभाष चंद्रा को बीजेपी का समर्थन मिलने पर कांग्रेस को सेंधमारी का डर सताने लगा है जिसके बाद कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी करनी शुरू कर दी है। सुभाष चंद्रा के निर्दलीय पर्चा दाखिल करने से कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का भी डर है। 108 सदस्यों के साथ कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल होगी लेकिन अब डर तीसरी सीट को लेकर बना हुआ है। वहीं बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकता है। हालांकि राजस्थान में सुभाष चंद्रा की एंट्री के बाद कांग्रेस को हार का डर सताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।